नमस्कार, मैं हूं सचिन आर्य और सबरंग में आपका स्वागत है। कोविड 19 महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच झारखंड विधानसभा का 3 दिवसीय मॉनसून सत्र 18 सितंबर से शुरू हो चुका है। कड़ी सुरक्षा के बीच कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जा रहा है और कोरोना संक्रमित विधायकों, पदाधिकारियों और कर्मियों को सत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई है। कितना सार्थक होगा झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र? जब बात विधानसभा सत्र की होती है तो हम जनता के हितों की बात करते हैं। कोई भी विधानसभा सत्र की शुरुआत जनता के हितों के लिए होती है, पर ऐसे समय में जहां कोरोना संक्रमण का प्रकोप चरम पर है और राज्य की स्थिति चरमरा चुकी है, वहीं भुखमरी का भी आलम है और अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, ऐसे वक्त में ये मानसून सत्र आम जनता के लिए कितना लाभकारी होगा ये देखना होगा। झारखंड विधानसभा सत्र से उम्मीदें। वैसे तो मानसून सत्र के पहले दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष ने सत्र की शुरुआत शोक संदेश के साथ की। कोरोना काल में निधन हुए नेताओं, अभिनेताओं, सुरक्षा कर्मियों और कोरोना वॉरियर्स को सत्र में शामिल विधायकों ने श्रद्धांजलि दी। बाद में हेमंत सरकार ने 2584 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। हालांकि पहले दिन सरकार ने लैंड म्यूटेशन बिल नहीं लाया, पर इस सत्र में लाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। अब बात करते हैं उभरते मुद्दों पर क्या होंगे सरकार के विचार। कोविड-19 की वजह से राज्य में लोगों के रोजगार छिन गए हैं, लाखों युवा और मजदूर अपना रोजगार खो बैठे हैं। खुद विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कोरोना वायरस को और बेरोजगारी का भी जिक्र किया। उन्होंने बेरोजगारी को बड़ी समस्या और चुनौती करार देते हुए कहा कि प्रलय के बाद नई सृष्टि के निर्माण का वक्त है, हमें सचेत होना होगा, परस्पर सहकार के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कोरोना महामारी के कारण बच्चों की शिक्षा बाधित होने पर भी चिंता जताई और कहा कि उसकी भरपाई करने की व्यवस्था करनी होगी। वहीं सत्र के दौरान बिजली व्यवस्था की बदहाली के खिलाफ हजारीबाग के भाजपा विधायक मनीष जायसवाल ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्य में हो रही हिंसा और नक्सलवाद का जीवंत मुद्दा भी उठाया। इस मुद्दे पर विपक्ष के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने भी उनका समर्थन किया। आज का यह सत्र तो बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से निकल गया और सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया, पर क्या यही मंजर आने वाले सोमवार को भी दिखने को मिलेगा? क्योंकि बहस और मुद्दे अभी उठने बाकी हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले सोमवार को विपक्ष तकरीबन 2500 सहायक पुलिस कर्मियों का भी मुद्दा उठाने वाला है, जिसे पिछले रघुवर सरकार ने 2017 में रखा था और 4 साल के बाद उन्हें अस्थायी करने की बात कही थी, ये जानते हुए भी कि शायद ही वो सत्ता की अगली पारी खेल पाएंगे। अब यह मुद्दा बनकर सदन में गूंजने वाला है। विपक्ष इस पर कितना ताकत दिखाता है यह भी देखना कम दिलचस्प नहीं होगा। हालांकि अल्पकालीन मानसून सत्र सोमवार को अपना दूसरा दिन समाप्त करेगा और हम पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए सबरंग के साथ। नमस्कार।